पवित्र जमीन जिसका कोई वास्ता गांधी विचार से नहीं है, जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जमाई है जयेश पटेल, उसकी संस्था को दे दी जा रही है। और जहां ये ऐसा हो रहा है वहां हम चुप्पी साधे बैठे हैं। साबरमती आश्रम के ट्रस्टियों को पूछो तो वो बताते हैं हमको कुछ पता ही नहीं होता क्यों ऐसा होता है, हम क्यों इतने लाचार हो गए। हम विचार तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं एक दूसरे के साथ। राही जी ने बहुत अच्छी मिसाल दी भूदान की बात की, एक बहुत बड़ी क्रांति थी जमीनी अधिकारों को लेकर, लेकिन आज भूदानों की जमीन का घोटाला उससे भी बड़ी एक बात और एक लांछन हमारे ऊपर है। पूरे हिंदुस्तान में भूदान की जमीनों का घोटाला जिस पैमाने पे किया गया है और हम चुप्पी साधे बैठे हैं उसमें, हम बोलते नहीं। गांधी विचार आज आंदोलन करने से झिझकता है। हम आंदोलन नहीं कर रहे, राष्ट्र में इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, पिछले 2 साल में हमने इतने सारे आंदोलन देखे। हाँ, कुछ गांधी विचारक और गांधी नेता अपने निजी तौर पर उन आंदोलन ने दिखाई दिए, लेकिन कौन सी गांधीवादी संस्था ने उस आंदोलन को अपनाया, उस आंदोलन में सरकार किया। और समाज ये सब देख रहा है। आज हम कई बार ये बात करते हैं कि युवाओं को हम कैसे आकर्षित करें, युवाओं की समस्या के लिए क्या हम रास्तों पे उतर रहे हैं। आज विचार कीजिए, सोचिए इसके बारे में कि क्या बापू होते तो आज इस मुल्क में बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी हो गई है, तो क्या बापू अपने आश्रम में बैठे रहे होते, क्या उन्होंने उसके बारे में काम नहीं किया होता। इस समस्या के जड़मूल को पहचान कर उसके ऊपर उपचार करने का कार्य उन्होंने शुरू नहीं कर दिया होता, हम कर रहे हैं। कौन सा विकल्प हम दे रहे हैं समाज के सामने इतनी सारी समस्या। कस्तूरबा आश्रम की बात सुनी मैंने, राजकोट में जब सत्याग्रह हुआ तो कस्तूरबा वहां लड़ने के लिए गई, उसमें एक सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरीके से राजकोट के राजा महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे थे उसके खिलाफ राजकोट की महिलाओं ने जो उस सत्याग्रह में लीडरी की थी, उस लीडरी को स्वीकार करने के लिए कस्तूरबा वहां गई थी। पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके वीडियो हमने सबने देखे। गांधी विचारधारा के अंदर की महिलाओं में से कितनी महिलाएं मणिपुर गई वहां काम करने के लिए, कितनी संस्थाएं मणिपुर में शांति प्रस्थापित करने के लिए कार्यरत है, शायद एक हाथ की उंगलियों पर भी जिन्हें गिनती हो तो उंगलियां बच जाएंगी। ऐसे हालात में गांधी विचार को हम आगे 21वीं सदी में कैसे ले जा सकते। हमारे प्रधानमंत्री को यूक्रेन में गांधी याद आते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच शांति प्रस्थापित करने के लिए वो गांधी की मिसाल देते हैं। मणिपुर में 1 साल से उनको कभी गांधी की याद नहीं आएगी, मणिपुर जल रहा है। ये राजनीति है, पर हमने भी ये विचार करना चाहिए कि क्या हम कुछ कर रहे हैं या नहीं। मैंने कहा शुरुआत में कि हम इतने लाचार हो गए हैं कि सरकार के ऊपर हमको आधार रखना पड़ता है। मेरी ही बात का मैं एक विरोधाभास यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ, मुख्यमंत्री जी को शायद जाना भी होगा इसलिए मैं उनको बहुत यहाँ रोक नहीं रखूंगा, पर वो जाए उसके पहले एक प्रार्थना मेरी
आपसे ये होने वाली है सिद्धरामैया जी कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में बापू ने जो सबसे पहला आश्रम स्थापित किया था फीनिक्स आश्रम, उसकी 120वीं वर्षगांठ है जो दक्षिण अफ्रीका में मनाई जा रही है। मेरे दादा दादी को बापू ने उस आश्रम को संभालने के लिए दक्षिण अफ्रीका वापस भेजा था, मणिलाल गांधी और सुशीला गांधी को, और उनकी सारी जिंदगी वो वहाँ उस आश्रम को चलाने में रहे। मेरे पिताजी और उसकी उनकी दो बहनें वहीं पर बड़ी हुई, पली और बड़ी हुई, और मेरे पिताजी की छोटी बहन ईला आज भी उस आश्रम को चला रही है, जो बचा कुचा आश्रम रहा है उसको। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ सिद्धरामैया जी की उस 120वीं वर्षगांठ का जो हम एक कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं उसको आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं मेरे राज्य में वो नहीं कर सकने वाला हूँ, क्योंकि मेरे राज्य में मित्र सरकार नहीं है। तो आपकी मदद से शायद हम कुछ कार्यक्रम यहाँ कर सके जिससे लोगों को संघर्षशील आश्रमों की जो प्रणाली बापू ने बताई थी उसके उदाहरण से हम वाकिफ कर सके, क्योंकि आश्रम का सबसे बड़ा एक महत्व वो है कि वो संघर्ष की भूमि थी, वहां से संघर्ष और सत्याग्रह अंकुरित हो रहे थे। आज वो मिसाल सबसे स्मारक से भी ज्यादा वो मिसाल जरूरी है, इसलिए वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो आपकी अगर कृपा रहेगी हमारे ऊपर तो हम फीनिक्स आश्रम के लिए भी कोई कार्यक्रम करना चाहेंगे यहाँ से। पर उससे ज्यादा हमने विचार करना चाहिए कि हम गांधी विचार को आज हमारे देश में बापू की हत्या हुई, बापू के जिंदगी के आखिरी दो साल उनके लिए सबसे दुखी साल थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उन्होंने जिस राष्ट्र को जन्म देने के लिए अपनी जिंदगी को पूरा न्योछावर कर दिया था वो सपना बिखरते हुए उन्हें दिखाई दे रहा था, क्योंकि 46 से लेके 48 तक भारत में जो घृणा का तांडव हुआ, the dance of hate that this country witnessed in the last 2 years of my great grandfather's life, उसके कारण बापू को ये ज्ञात हुआ कि जिस चीज, जिस सौहार्द, जिस बंधुभाव के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी, उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में उनकी निष्फलता उनको दिखने लगी। आज 75 साल के बाद हमारे राष्ट्र में वही माहौल वापस हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, घृणा, विभाजन, विघटन और हिंसा का एक आलम हमें दिखाई दे रहा है, और हमारा आवाज उसमें क्षीण होता जा रहा है, हमारे बीच में ही सीमित होता जा रहा है, हमारा दौरा भी, हमारा जो व्याप है वो भी सिकुड़ता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा राष्ट्र बच नहीं पाएगा। उस वक्त हमारे राष्ट्र का विभाजन 3 टुकड़ों में हुआ। अब ये दौर अगर चलता रहा तो असंख्य टुकड़ों में ये राष्ट्र छिन्न हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। आज हर वो बात जिस पे अगाव हो सकता है उसमें हमको विभाजित कर दिया गया है। भाषा में विभाजन होता है, प्रांतों में विभाजन होता है, धर्म में विभाजन होता है, हमारी जाति में विभाजन है, हमारे बीच में एकता की मिसाल दिखने के लिए मिलती नहीं है हमें। सिर्फ एक हालात में, दो हालात में हमको एकता का भास होता है। एक तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो तब लगता है कि हम सब एक हैं, और दूसरा अगर पाकिस्तान से युद्ध के बादल
छाने लगे तब लगता है कि हम एक है, बाकी कोई भी हालात में हम एक नहीं लगते एक दूसरे के साथ। जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति देकर हमें आजाद करवाया, ये उनके सपनों का भारत नहीं है। आज बहुत बड़ी सफलता के साथ बापू के खूनियों ने बापू के खूनी के सपनों का भारत बना दिया है। आज ये राज्य राष्ट्र गांधी का नहीं रहा, सावरकर का और गोडसे का बन गया है, और ये हमारी सबसे बड़ी हार है। हमारे कारण ये हुआ है क्योंकि हमने उस विचार को इस राष्ट्र के खून से अलग होने का रास्ता दिखाया है। इसमें और किसी का दोष नहीं है। हम जो अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को गांधीवादी कहते रहे, उनकी ये निष्फलता है। हम आपस में लड़ते रहे। अब देखिए गांधीवादी संस्थाओं में देखिए, आपको दिखेगा कितने सारे झगड़े गांधीवादी संस्थाओं के बीच चलते रहते हैं। कोर्टों में भी केसेस चल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जिस बापू ने अपनी पूरी जिंदगी वकील के तौर पे पूरी जिंदगी ये कहा कि कोर्ट कचहरी ना हो और कोर्ट कचहरी के बाहर ही हम आपस में समझ के समझौता कर ले, उसकी याददाश्त में चलने वाली संस्थाएं आज कोर्ट कचहरियों के दरवाजे खटखटाने से झिझकती नहीं है। जब हम ही वो रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे उस रास्ते पर लाएंगे। मैं माफी चाहता हूं कि मैं कड़वी भाषा बोल रहा हूं, लेकिन आज जिस प्रकार से गांधी विचार बीमार हो गया है, अगर उसको हमने क्योर करना है तो कड़वी दवाई खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। आंतरिक होके देखना पड़ेगा कि कमजोरी हम में क्यों आ गई है, हम क्यों आंदोलन नहीं कर रहे। जन आंदोलन की बातें की, डेमोक्रेसी की बात की, तो आज डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेसेस में भी हमें गांधीवादी संस्थाएं नहीं दिखाई दे रही। हम भारत जोड़ो अभियान डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए लड़ता है, गांधीवादी संस्था नहीं दिखती है उसमें। मैं उन सब में जाता हूं क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जिनको प्रधानमंत्री जी बहुत प्यार से आंदोलन जीवी कहते हैं, और इसलिए मैं सब जगह पे चला जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी विचार भी वहां कार्यरत है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने करते होना चाहिए था। अपने आप को गांधीवादी कहने वाले लोगों ने इसमें आगे चलकर समाज के अंदर कार्यरत होना चाहिए था, तब जाके हमारी साख, हमारी ताकत बापू के वक्त जैसी हो पाती। 1930 का ही की मिसाल आपको दे दूं। नमक सत्याग्रह के बारे में कोई भी कांग्रेस का नेता तब सहमत नहीं था, उनको नहीं लग रहा था कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, उनको लग रहा था कि ये मजाक हो रहा है, हमारे पूरे सत्याग्रह और आजादी की लड़ाई मजाक बन जाएगी, बात नमक से क्या होने वाला है। वो भूल गए थे कि नेता की नेतागिरी सिर्फ तब तक चलती है जब तक उसके पीछे लोग खड़े ना हो, जनता खड़ी ना हो, किराए की जनता नहीं, स्वैच्छिक तरीके से खड़े होने वाली जनता। और 6 अप्रैल 1930 को जब बापू ने एक मुट्ठी नमक दांडी में उठाया और ऐलान किया कि अब पूरे देश में इस नमक सत्याग्रह को करना है, तो भारत के हर गांव में जब लोग नमक बनाने लगे, नमक बेचने लगे, तब अंग्रेज सरकार की नींद हराम हो गई। आज हम में से कितने ये क्षमता रखते हैं कि हम ये कहें कहीं पर भी कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं और 100 लोग भी हमारे पीछे जमा हो। क्या हुआ इन 75 सालों में?
क्यों हम इतने लाचार, इतने कमजोर बन गए? ये हमारी खुद की करनी के कारण हुआ है, ये हमारी खुद की लाचारी और लापरवाही के कारण हुआ है। इसके बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं, इसके बारे में अगर हम चिंतित नहीं होंगे, तो 100 साल मनाने के लिए एक भी संस्था रहेगी नहीं है, याद रखिएगा। 75 साल में कई संस्थाओं पे संघियों का वर्चस्व हो गया है। 100 साल होते होते शायद उसके उनमें से गांधी का नाम भी हट जाएगा, और उसका दोष उन संघियों का नहीं होगा, वो दोष हमारा होगा, हमारे कारण वो हुआ है, ये याद रखना है हमने। आज गांधी का काम वे संस्थाएं कर रही हैं जिनके साथ गांधी का नाम जुड़ा भी नहीं है। मैं कोल्हापुर में एक संस्था के साथ संलग्न हूं, हम उनको मदद करते हैं काम करने के लिए। वहां कई लोग आते हैं, उनको डायरेक्टली आकर ये कहते हैं कि ये गांधीवादियों के साथ किनारा कर लो, हम पैसा देंगे। ये आचरण आज मुल्क में हावी होता जा रहा है। हमने सोचना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको बदलने की जिम्मेदारी हमारी खुद की, आने वाली पीढ़ियां वरना हमें माफ नहीं करेगी। अगर फिर से दोबारा गांधी को विदेशों से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, गांधी विचार को विदेशों से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, तो ये हमारे ऊपर लगने वाला सबसे बड़ा लांछन होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग जब जाएं, उसके पहले अंतर्मुख होके अपने आप को ये प्रश्न पूछे हम लोग कि क्या हम गांधी के वंशज कहलाने के लायक है, क्योंकि मैं नहीं। क्योंकि ये जो सारी बातें मैंने यहाँ कही है उसमें कहीं ना कहीं मेरा दोष भी शामिल है। मैंने भी जितना फायदा गांधी के कौटुंबिक वंशज होने का उठाया है, उतना फर्ज नहीं निभाया। ये उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आज आके पहुंचे। अगर 21वीं सदी में और उसके आगे गांधी विचार को जीवंत रखना होगा, तो ये जो हमने अपने आप को एक समझा दिया है कि गांधी विचार सिर्फ हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को उपदेश के रूप में दे सकते हैं, उन्होंने ये समझना बहुत जरूरी है कि बापू ने खुद ने कहा था कि उपदेश देने से, अपने कार्य से लोगों को आप प्रोत्साहित करो, क्योंकि आपका कार्य देख के लोग आपके पीछे ज्यादा आएंगे, आपका शब्द समझ के सिर्फ तालियां बजाकर दूसरे ही क्षण आपके एक शब्द भूल जाने वाले लोग ज्यादा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तुषार जी फॉर द थॉट प्रोवोकिंग स्पीच हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस एंड द अर्जेंसी ऑफ स्टार्टिंग अ यूनाइटेड मूवमेंट टू सेव गांधीयन वैल्यूज कॉलिंग फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच। आई वुड नाउ लाइक टू इन्वाइट द चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन श्री कुमार प्रशांत जी to share a few words with us. Shri Kumar Prashant is the chairman of Gandhi Peace Foundation, New Delhi. He is a Gandhian thinker, a journalist and an activist. He worked closely with Jai Prakash Narayan ji during the 1974 Nav Nirman Andolan. In his effort to make Mahatma Gandhi accessible to the new generation, he started an organization called Rashtriya Yuva Sangathan in 1994. Under his guidance, the Rashtriya Yuva Sangathan worked to foster communal harmony in various parts of India, especially in communally sensitive areas after riots. In his efforts to find solutions to terrorism in Jammu and Kashmir, he brought together His Holiness the Dalai Lama and Professor Gilani on the same platform.
He has been an editor of the famous Hindi magazine Dharma Yug of Times of India and Navneet of Bharatiya Vidya Bhavan. He is a well-respected poet and a creative writer. He has written a biography of Jayaprakash Narayan and various books on Gandhi and thought. Shri Kumar Prashant avaru Dehliya Gandhi Peace Foundation na mukhyastharagiddare. ಅವರು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಅಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈಲೆಮ್ಮಾ in which language I should speak, whether in English or Hindi, because I don't know Kannada. But Siddhar Vayari has shown the way by speaking in Kannada, and Rahil Ji and Tushar Ji has spoken in Hindi. I will do a mixture of both of them, Hindi as well as English. Tushar ji has painted a very grim picture of Gandhi today, Gandhi institution as well as Gandhi work. I know that the situation is very grave. Challenges are very big. Lekin ye jo challenges hain inko hum kaise dekhte hain? Main aapko phir yaad kar raha hoon. So the country has partitioned in the very presence of Mahatma Gandhi. He was dead against the partition. He had tried many ways to prevent it, but he can't. Is that the failure of Mahatma Gandhi? I don't think so. There are many historical forces which drive people, make people helpless, so if a personality like Mahatma Gandhi can't prevent the partition, the same way we are also trying to face the situation, trying to beat the challenge. But challenges are bigger than us. So we have to find ways and means how to counter it. For the Gandhian worker, I can tell you with quite a reasonable argument that we are always try to face the situation to the best of our ability. आप मणिपुर की बात कह रहे थे. मणिपुर में जिस दिन से ये घटना घटी है, उस दिन से आज तक अगर कोई एक ग्रुप कंसिस्टेंटली लोगों के बीच में काम कर रहा है तो वो गांधीयन यूथ का ग्रुप है, जो हमारे गुजरात के साथियों का ग्रुप वहाँ पहुँचा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और हमने उस दिन तय किया था जब हमने इस बात को सोचा कि हमको कुछ करना चाहिए. दिल्ली में मैंने मीटिंग बुलाई थी मैथिली और कुकी दोनों समुदायों के, और हमने कहा था कि हम जो काम करेंगे मणिपुर में वो न मैथिली के लिए करेंगे न कुकी के लिए करेंगे, हम मणिपुर के. और दोनों कैंपों में मैथिली के थे और कुकी के थे, जहाँ आपस में कोई डायलॉग नहीं, दे आर रेडी टू किल ईच अदर ऑन द वेरी फर्स्ट चांस.
दिस ग्रुप इज वर्किंग द लास्ट ऑलमोस्ट वन ईयर. तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं परिस्थिति के बीच में, लेकिन परिस्थिति इतनी विकट है, इतनी मुश्किल है कि जो जवाब देना चाहिए, जिस हद तक जवाब देना चाहिए, और जो कमजोरियां आप बता रहे हैं वो कमजोरियां तो हम खुद जानते हैं, हमारे भीतर की कमजोरियां जानते हैं, हमारी संस्थाओं की कमजोरियां जानते हैं, लिमिटेशन जानते हैं, लेकिन उन सब के बीच में रास्ता ढूंढने का अगर काम हम लोगों ने नहीं किया होता तो आज गांधी के जाने के इतने साल बाद हम ये आयोजन भी नहीं कर सकते. तो ये हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कैसे इसको और मजबूत बनाए. मैं खुद से भी बराबर पूछता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी गांधी के नाम से काम करने वाला एक छोटा सा सिपाही हूँ, 50-60 साल हो गए जीवन के इसी फील्ड में काम करते हैं. तो खुद से भी सवाल पूछता हूँ, क्या करते हैं जिस सत्याग्रह की इतनी सारी बातें हम लोग करते हैं, आज के समय में आज के दिन सत्याग्रह कैसे हो सकता. ड्यूरिंग गांधी टाइम वी हैव सीन सो मेनी वेज ऑफ सत्याग्रह, देयर इज नो वन टाइप ऑफ सत्याग्रह गांधी जी ने इनिशिएट. चंपारण में कुछ सत्याग्रह हुआ, खेड़ा में कुछ सत्याग्रह हुआ, नमक का सत्याग्रह कुछ अलग तरीके से हुआ, यानी सत्याग्रह अपने समय का जवाब देने के लिए अलग अलग रूप से चलता है और हमको खोजना पड़ता है कि आज क्या करें, किस तरह से सत्याग्रह का इस्तेमाल किया जाए. तो मैं आज के समय में जब ये सोचता हूँ कि भारत का समाज अगर आज सत्याग्रह करना चाहे, या मैं और भी छोटा कर दूँ, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस हॉल में, ये अगर तय करें कि इनको आज सत्याग्रह करना चाहिए तो क्या करेंगे आप. तो मैं जो सोचता हूँ इस तरह से कि आज 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के सामने सत्याग्रह का इस्तेमाल इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे कैसे करना चाहिए, तो मुझको ये समझ में आता है कि शायद पहली बात ये करने की जरूरत है, स्पीक द ट्रूथ, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस. जो काम हम कोई नहीं करते, हम बहुत डरते हैं सच बोलने से, क्योंकि सच बहुत खतरनाक चीज है. मैंने कह तो दिया स्पीक द ट्रूथ, लेकिन मैं जानता हूं ये संभव नहीं, बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत डेंजरस है. 5 लेटर्स का शब्द है ट्रूथ, लेकिन ये सच बोलना एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक. कोई कभी होता है इतिहास में जो सच बोलने के लिए सामने आता है, उसकी कीमत भी अदा करता है. लेकिन इसके अलावा सत्याग्रह की शुरुआत नहीं होती, सत्याग्रह में ही शब्द सत्य शब्द जुड़ा हुआ है. तो इसलिए मैं कहता हूं हम सब लोग अपने को तौलें, खुद से पूछें क्या हमें हिम्मत है सच बोलने की. किसी भी परिस्थिति में सच के अलावा दूसरा कुछ बोलेंगे नहीं. अगर ऐसी हिम्मत आपको अपने भीतर लगती है तो आप इस रास्ते पर सच बोलेंगे. अगर आपको लगे कि बहुत कठिन है, मेरे लिए तो संभव नहीं, तो सत्याग्रह आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव भी देता है. सत्याग्रह गिव्स यू ए अदर अल्टरनेटिव, इफ यू आर नॉट करेजियस एनफ टू स्पीक ट्रूथ, स्टैंड विद द मैन हु इज स्पीकिंग ट्रूथ.
जो सच बोल रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, ये दूसरी भूमिका है. दिस इज अनदर रोल यू कैन प्ले, यू कैन अडॉप्ट. सच बोलने की हिम्मत नहीं हो तो जो सच की लड़ाई लड़ रहा है समाज में उसके साथ खड़े हो जाओ. ये भी बहुत आसान है. यू हैव बीन मार्क्ड, यू हैव बीन काउंटेड, तुम्हारी भी जान पहचान हो जाएगी. इसीलिए इसके लिए भी एक बड़े हिम्मत की जरूरत पड़ेगी कि सच की लड़ाई जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े हो. खुद को तौलो. सत्याग्रह में यू आर द ओनली जज, नोबडी कैन डिसाइड फॉर यू. एवरीबडी हैज टू डिसाइड अबाउट हिमसेल्फ. तो तौलो अपने को. क्या तुम में कोई इतना साहस देखता है कि सच के लिए लड़ने वाले किसी आदमी के साथ खड़े हो जाओ, किसी मेधा पाटकर के साथ खड़े हो जाओ, मणिपुर में गए हुए लड़कों के साथ खड़े हो जाओ, कश्मीर में हम गए हैं वहां खड़े हो जाओ. सभी जगह हम बहुत थोड़े लोग हैं, अकेले अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. आप बगल में खड़े होंगे तो सत्याग्रह में 1+1 नहीं, 1+1 2 नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है. एक आदमी आकर खड़ा हो तो ताकत बहुत बड़ी है. इसलिए आप खुद को जांचिए, आपको ये हिम्मत होती है कि किसी लड़ाई के साथ खड़े हो जाएं? अगर इतनी हिम्मत भी ना हो आपके भीतर तो भी चिंता की कोई बात नहीं. सत्याग्रह विल गिव यू एन अदर ऑप्शन. आप देखिए, इंडिविजुअल से हम चले हैं और हम दूसरों की तरफ जाते हैं, कम्युनिटी की तरफ जाते हैं. थर्ड ऑप्शन ये है कि जो लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सपोर्ट देम. इफ यू कांट स्टैंड बाय देम, सपोर्ट देम वेयर यू आर, वेयर एवर यू आर. जस्ट से दैट ही इज राइट, हिज एक्शन इज राइट, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम सपोर्टिंग. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. आप जहां हो, जो कर रहे हो, उस काम के साथ सिर्फ इतना करो कि सच को सपोर्ट करना. हम उससे भी बहुत बचते हैं. गांधी अपने शुरू के दौर में जब वो इंग्लैंड आते हैं दक्षिण अफ्रीका से तब भी, और भारत में आते हैं तब भी, अपना स्टेटमेंट कंधे पर रख करके अखबार के दफ्तर दफ्तर में घूमते हैं और स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं, लेटर टू गांधी. क्या आप अपने नाम से हर दिन एक लेटर टू द एडिटर लिखते हैं किसी सच को सपोर्ट करते हुए? ये सपोर्ट का एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके होंगे. एक तरीका ये भी है, विथ योर नेम. क्योंकि सच की लड़ाई में हिम्मत सबसे बड़ी चीज है. हमारे यहाँ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मुंबई में रहता हूँ, शिवसेना का बहुत आतंक था. शिवसेना के सामने कोई बोलता नहीं था, तो हमारे एक मित्र ने शिवसेना के खिलाफ एक बड़ा सा लेटर लिखा और मुझको दिखाया कि ये लेटर लिखा है. हमने कहा भेजो, तो कहा कि नहीं, मैं तो नहीं भेज पाऊंगा, मैं अपना नाम भी नहीं इसमें दे सकती, लेकिन आप किसी तरह इसको पब्लिश कर दीजिए क्योंकि आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं. तो मैंने कहा मैं पब्लिश करने को तैयार हूँ इसको, लेकिन तुमको अपना नाम देना पड़ेगा इसमें. बिना नाम की बहादुरी काम की नहीं होती. तो मैंने आपसे कहा थर्ड ऑप्शन ये है
कि आप सच बोलने वाले का सपोर्ट कीजिए सामने से। ये भी मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये सारी बातें अपने ऊपर लागू कीजिए और खुद सोचिए। गांधी का सेमिनार सुनने आए हैं तो खुद को तो जांचना पड़ेगा। सेमिनार सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? इसीलिए मुझको गांधी की प्रशंसा करने में बहुत दिलचस्पी नहीं होती। एक ऐसा ही सेमिनार मुंबई में हमने बुलाया था, जब गांधी को हम बहुत कम समझ पाते हैं तो एक ही हेडिंग बनाते हैं, इज गांधी रिलेवेंट टुडे, और उस पर सेमिनार बुलाया जाता है। तो उस सेमिनार में जयप्रकाश नारायण जी को बोलना था, इससे भी बड़ा हॉल था। तो जयप्रकाश जी ने बात ही यहाँ से शुरू की कि गांधी रेलिवेंट है कि नहीं है ये तो इतिहास ने तय कर दिया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गांधी का रेलिवेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय हिस्ट्री, वी कांट डू एनीथिंग मोर और लेस। लेकिन इतना आप याद रखो कि हॉल के भीतर बैठकर गांधी के रेलिवेंस की चर्चा तुम करते रहोगे तो तुम इरेलेवेंट। इसका मतलब है कि गांधी की चर्चा करने के लिए भी एक खास तरह का रोल आपको अपने लिए तय करना पड़ेगा। तो मैं जो 3-4 रोल आपको बता रहा हूं, इसमें यू शुड चूज व्हाट रोल यू कैन प्ले। तो जो सच बोल रहा है उसको सपोर्ट तो करो। अगर उतनी हिम्मत भी नहीं आपको लगता हो ये भी मेरे लिए कठिन होगा, तो मैं आपको एक और भी विकल्प बताता हूं। अगर आप सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, सच की लड़ाई लड़ने वाले के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, सच की लड़ाई को सपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते, तो भी एक रोल है आपके लिए, हम सब के लिए। गलत करने वाले का साथ मत दो। देश का नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, ये नारा लगाने मत आओ सड़क। गलत करने वाले के साथ हम नहीं हैं, इतना भी अगर करने की हिम्मत करोगे तो सच की लड़ाई को बहुत मदद मिलेगी। ये भी एक रोल है। ज्यादातर समय अब रामत मानिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ और मैं बहुत परेशान होता हूँ कि एक कोई एमएलए आ गया, कोई मिनिस्टर आ गया, सारे लोग उसके पीछे। कौन है ये? तुम्हारे मोहल्ले का सबसे छठा हुआ बंदा है जो एमएलए बन गया। और हम सब लोग जो भद्र लोग हैं वो हर मौके पर उसके पास पहुंचने लगे, जरा फोटो ही हो जाए उसके साथ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? यू आर गिविंग द लेजिटिमेसी टू होम। ये रोल है जो आप नहीं, गलत के पास हम जाने नहीं चाहते। गलत के साथ हमारा फोटो भी आ जाए इसमें भी हमको शर्मा नहीं। तो ये 4 रोल आज सत्याग्रह के रूप में मुझको दिखाई दे, और इस 4 रोल में से अगर कोई रोल भी आपको अपने लिए, आप अपने को इतना हिम्मत नहीं लगती है आपको कि आप इन 4 में से कोई एक रोल भी करते, तो मैं आपसे कहूंगा फिर अपने को सिटीजन मानना बंद कर दे। यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, but not the demo of the democracy। क्योंकि नागरिक होने का कोई तो एक चिन्ह होना चाहिए। हम सिटीजन हैं, हम राजतंत्र की प्रजा नहीं।
हमारा रोल बदल गया है उस दिन से जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश में आया, इसने हमको नागरिक बना दिया। तो संविधान की के लागू होने से हम पर एक जिम्मेवारी आ गई, एक नए तरह के रोल में हमको दिखना चाहिए, जो नहीं हम देखते हैं इसलिए सारे हाल होता जा रहा है। ये सिर्फ गांधी संस्थाओं का सवाल नहीं है, जब सिटीजन के रूप में हमारा कोई रोल ही नहीं रह गया, हम भीड़ हैं। भीड़ किसको कहते हैं? व्हाट इज क्राउड? हु हैज सो मेनी हेड्स बट नो थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड भीड़, दैट इज क्राउड। भीड़ को नागरिक बनाने के लिए लोकतंत्र आया। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हमने एक खास रोल अपने लिए तय किया है, वी आर नॉट इन द क्राउड। वो अगर आप नहीं कर पाते तो आप लोकतंत्र के नागरिक नहीं हैं। अगर आप नागरिक हैं तो इन चार भूमिकाओं में से कोई एक भूमिका आपको अपने लिए तय करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू रेडी टू प्ले दैट रोल। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, जो मेरी समझ में आता है आज के समय में, इसमें इंडिविजुअल से लेकर और सभी लोगों के लिए कोई ना कोई रोल बन जाता है। आप सपोर्ट करते हो तो आपके लिए सपोर्टिंग का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप लड़ने वाले के साथ खड़े होना चाहते हो, आपके लिए बहुत बड़ा रोल है। और आप खुद आकर लड़ना चाहते हो, फिर तो बात ही कुछ अलग है। तो गांधी जब हम कहते हैं, तो गांधी जिसको 30 जनवरी की को मार दिया हमने, उसको छोड़ दीजिए, उस कहानी को वहीं रहने दीजिए। गांधी का मतलब ही है नए समय में अपनी नई भूमिका के बारे में विचार करना और उसको स्वीकार करना, यही गांधी है। इस गांधी के साथ हमारा परिचय हो, इस गांधी के साथ हमारी दोस्ती हो, और इस गांधी के साथ एक दो कदम चलने की हमारी हिम्मत हो, तो मैं मानता हूँ कि आज भी बहुत सारा काम पड़ा है जो हम कर सकते हैं। ये सेमिनार हम लोगों को इस तरह की समझ दे, हम सब लोग अपने रोल के बारे में सोचें और बिल्कुल डेमोक्रेटिकली अपना रोल खुद चूज करें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा, इससे कम नहीं कुछ करूँगा। तो we have not lost everything. There are so many new challenges are in front of us and we have to meet them. That will create a new atmosphere towards Gandhian principles. Thank you very much.